अभी हम लोग आए हैं पुरी के श्री राम मंदिर में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग निकल गया है पुरी के जो लोकल साइट सीइंग है। और हम लोग को ये लोकल साइट सीइंग करा रहे हैं भीमा भैया, और भीमा भैया का फ़ोन नंबर और डिटेल्स मैं बाद में बता दूंगा। और पहला जो स्टॉपेज है वो स्टॉपेज है हम लोग का दिया गया है पीछे में बुद्ध मंदिर। हम लोग का पीछे में दिया गया है बुद्ध मंदिर, तो बुद्ध मंदिर में हम लोग अभी जा रहे हैं और बुद्ध मंदिर का अंदर का आप लोगों को दिखाते हैं। पुरी का बुद्ध मंदिर लगभग 1.3 किलोमीटर है पुरी रेलवे स्टेशन से, और इट इज़ ए वॉकेबल डिस्टेंस, 5 मिनट लगता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे निप्पन ज़ेन लिखा हुआ है, यानी ये जो बुद्ध मंदिर है ये बुद्ध मंदिर एस्टेब्लिश किया है निप्पन बुद्ध संघ जो है। और यहाँ पे देखिए ये हस्तशिल्प कला है, और यहाँ पे एक म्यूजियम भी है, यहाँ पे माटी का शिवलिंग भी बनाया गया है। बुद्ध मंदिर के यहाँ देखिए आप लोगों को हस्तशिल्प मिल जाएगा जो प्योरली हैंडमेड है। अगर आप लोग चाहे तो यहाँ से आप लोग इस हस्तशिल्प से कुछ खरीद भी सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के भीतर। साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा हस्तशिल्प का काम चल भी रहा है, और सारा जो काम है वो पूरा हाथों से बनाया जा रहा है। देखने में बहुत ही सुंदर है और एकदम पीस है। यहाँ पे जो मैं पहले भी दिखाया था आपको शिवलिंग है, तो एक बहुत ही सुंदर फ्रेंडली रिलेशन है हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का। अभी हम लोग आ पहुँचे हैं पुरी के हनुमान मंदिर में। दोस्तों चलिए अंदर चलते हैं। लोक कथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने भगवान हनुमान को दिन रात समुद्र के प्रकोप से पुरी को रक्षा करने के लिए भार दिया था। हालांकि एक बार हनुमान जी जगन्नाथ को बिना बताए लड्डू खाने अयोध्या चला गया। इस बीच समुद्र का पानी आकर पुरी में घुस गया और यहाँ पे काफ़ी सारा नुकसान पहुँचाया। जब हनुमान जी पुरी लौटे तो भगवान जगन्नाथ ने उनके हाथ और पैर रस्सी से बांध दिए और उन्हें समुद्र तट पर निगरानी रखने का निर्देश दिया। ये लोकमान्यता है कि उस समय के बाद से कभी भी समुद्र का पानी पुरी में प्रवेश नहीं कर पाया। टेंपल का अंदर में फ़ोटो या वीडियो करना अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं बाहर से ही इस मंदिर को आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसका अंदर में वीडियो करना अलाउ नहीं है। दोस्तों ये है सोनार गौरांग मंदिर, और इस मंदिर में भी अगर आप आते हैं तो यहाँ पे भी मंदिर के अंदर जो है अंदर मोबाइल कैमरा या कोई भी कैमरा फ़ोटो खींचना ये सब अलाउ नहीं है। आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं, माथा टेक कर आ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अभी हम लोग जहाँ पर आए हैं ये है जगन्नाथ की ससुरबाड़ी है। यहाँ पे भी आपका मोबाइल कैमरा या फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है। आप ऐसे बाहर से आप खींच सकते हैं, अंदर फ़ोटो खींचना या वीडियो करना अलाउ नहीं है। सो अभी हम लोग आए हैं पुरी के श्री राम मंदिर में। ये देखिए पुरी का श्री राम मंदिर, ये भीतर में प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता विराजमान है। तो आप लोगों को ये मंदिर दिखा दिया। दोस्तों ये है गुंडीचा मंदिर, और यही जो गुंडीचा मंदिर है इसी स्थान पर जगन्नाथ धाम से जब रथ आता है तो इसी जगह पर रथ को रखा जाता है, और 9 दिन रखने के बाद उल्टा रथ में फिर जगन्नाथ मंदिर रथ को लिया जाता है। ये है गुंडीचा मंदिर। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं पुरी के फेमस 18 नाला
ब्रिज में, 18 नाला ब्रिज में है। इस ब्रिज के ऊपर से अभी कोई गाड़ी वगैरह जाने के लिए नहीं दिया जाता है, क्योंकि बहुत पुराना ब्रिज है ये 18 नाला ब्रिज। तो यहाँ से सिर्फ पैदल जा सकता है, गाड़ी बाइक स्कूटर ये सब कुछ भी नहीं जाता है यहाँ से। तो आइए देखते हैं 18 नाला ब्रिज। तो दोस्तों ये देखिए 18 नाला ब्रिज, वो वहाँ से देखिए ये ब्रिज के ऊपर है हम लोग अभी। पहले इस जगह से गाड़ी जाती थी, लेकिन अभी यहाँ पे गाड़ी जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि इस नाला, इस जो ब्रिज है, इस ब्रिज को सुरक्षित रखने के लिए ये स्टेप्स गवर्नमेंट से लिया गया है। चारों तरफ देखिए ताब लगाया गया है। नाला एक उड़िया भाषा का शब्द है, अतहर शब्द का अर्थ होता है चौथाई और नाली का अर्थ होता है मार्ग, अथरनाला का अर्थ है आठवां मार्ग। आठवां नवीकरण के कारण इस पुल का नाम अथरनाला है। इतिहास के अनुसार गंगा दानव राजा भानुदेव ने 13वीं शताब्दी में मूसा नदी पर ये पुल बनाया था। 18 अंक एक शुभ अंक है। पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय है, पुराण 18 है और पवित्र ग्रंथ महाभारत में भी 18 अध्याय है। इसलिए जगन्नाथ संस्कृति का मानना है कि इस पुल की पूजा करने से पवित्र प्रार्थना को पढ़ने के बराबर फल मिलता है। माना जाता है कि इस पुल को पार कर लेने से भवसागर को पार कर लेना होता है। दोस्तों ये है जगन्नाथ जी की मौसी की घर, इसीलिए मौसी माँ टेम्पल बोला जाता है। तो रथ यात्रा का दिन है, यहाँ पे जगन्नाथ जी के रथ आकर रुकते हैं। यहाँ पे खाना थोड़ा सा सेवन कर यहाँ से फिर निकल पड़ते हैं। तो ये है जगन्नाथ जी का मौसी का घर। तो दोस्तों अभी हम लोग आ पहुँचे हैं जगन्नाथ की बुआ की घर, या इसको कहा जाता है जगन्नाथ से पिसीर बारी। और यहाँ पे ये है नरेंद्र पुष्करिणी या नरेंद्र टैंक। तो चलिए अंदर चलते हैं और नरेंद्र टैंक को देखते हैं। नरेंद्र पुखरी पुरी बस स्टैंड से लगभग 1.5 किलोमीटर और पुरी रेलवे स्टेशन से लगभग 2.7 किलोमीटर डिस्टेंस में है। और ये है दोस्तों नरेंद्र पुष्करिणी, अच्छा से देखिए, बहुत ही सुंदर है ये। ये है नरेंद्र पुष्करिणी, ये जगन्नाथ जी का बुआ का घर है। नरेंद्र पुखरी सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक खुला रहता है और इसमें कोई एंट्री फी नहीं लगता। देखिए बहुत बड़ा पुष्करिणी है, अंदर मंदिर भी है। हम लोग थोड़ा मंदिर के अंदर जा रहे हैं। इस पवित्र तालाब को 15th century में गजपति कपिलेंद्र देव के भाई नरेंद्र देव ने बनाया था। भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा से जुड़े होने के वजह से इस तालाब का दूसरा नाम चंदना पुष्करिणी भी है। चंदन यात्रा के उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों की चंदन से साफ किया जाता है। मूर्तियों को तालाब में नाव के सवारी के लिए लिया जाता है। इस नाव की सवारी को चापाखेला भी कहा जाता है। तो दोस्तों मंदिर में अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग अंदर नहीं जा पाए हैं, तो बाहर से ही आप लोगों को दिखा दिया है। कितना बड़ा एरिया है ये देखिए, बहुत बड़ा एरिया है। इसको नरेंद्र पुष्करिणी बोला जाता है, जगन्नाथ जी के बुआ के घर। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। वो देखिए झील के मध्य में चंदना मंडप नामक एक छोटा मंदिर भी है। यहाँ पे एक छोटा सा दीप है। दोस्तों अभी हम लोग है पुरी के मार्कंडेश्वर टेंपल में। यहाँ पे देखिए पीछे में देखिए शिव जी विराजमान है। तो आइए अंदर चलते हैं। ये मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है और यहाँ पे ऋषि मार्कंडेय ने भगवान शिव जी का ध्यान किया था। पुरी में 5 तीर्थों में से एक महान तीर्थ है ये मार्कंडेश्वर टेम्पल, और देश के जो 52 पवित्र शिव स्थान है उस 52 शिव स्थान में से एक पवित्र स्थान है मार्कंडेश्वर टेम्पल। मार्कंडेश्वर टेम्पल को मार्कंड द्वारा
मंदिर मार्कंडेय शिव मंदिर या मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये है नंदी भृंगी, दोनों ही यहाँ पे मिलेगा। आज से सैकड़ों साल पहले महान ऋषि ऋषि मार्कंडेय ने यहाँ पे शिवलिंगम रखे थे। ये स्थान उस समय से प्रसिद्ध हुआ जब ऋषि मार्कंडेय ने भगवान शिव का ध्यान किया था। भगवान शिव उनकी कठोर तपस्या में प्रसन्न हो गए और वरदान देने के लिए उनके सामने आ गए। उसके बाद उन्होंने मुख्य परिसर में यज्ञ का आयोजन किया। भगवान ने मार्कंडेय को समुद्र से एक गंभीर खतरे से बचाया। जिस स्थान पर भगवान ने मार्कंडेय को बचाया वो पवित्र स्थान मार्कंडेय के नाम से जाना जाता है और वो विशेष स्थान पर मार्कंडेय लंबे समय तक ध्यान में रहे थे। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार गंगा राजवंश ने 12th सेंचुरी के आसपास इस वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया था। लैटराइट ब्लॉकों से घिरा हुआ मार्कंडेश्वर सरोवर है और इस सरोवर को पूरी तीर्थ यात्रा का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। इस तालाब के सिरी पर मुंडन पिंडदान आदि क्रिया किया जाता है। मार्कंडेश्वर मंदिर से निकलने के बाद यहाँ पे ले लिया गया है टाटा का दिखा ग्लूकोज, तो मुझे देखकर तो बहुत ही अच्छा लगा ये टाटा का ग्लूकोज। दोस्तों ये जो है ये जगन्नाथ जी की गौशाला है और इसी गौशाला से दूध वगैरह जो है जगन्नाथ मंदिर में भेजा जाता है। ये है जगन्नाथपुरी का गौशाला। ये देखिए, ये बाबा लोकनाथ का मंदिर है, लोकनाथ टेम्पल है। अब शिव जी का प्रतिमूर्ति स्थापित किया गया है यहाँ पे। और अभी बोलबम का महीना है, बोलबम का समय है, सावन का महीना है, तो ये जो जगह मैंने दिखाया इसी जगह पे श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं, अपना भार यहाँ पे रखते हैं, हजारों के तादाद पर आते हैं और यहाँ पे शिव जी के यहाँ पानी चढ़ाते हैं। अंदर में वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है। किंवदंती के अनुसार जब भगवान राम देवी सीता को बचाने के लिए लंका जा रहे थे तो वो पुरी में रुके और भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ पे संकल्प किया। इस बीच पास के गांव सबरापल्ली से एक व्यक्ति ने भगवान राम को एक कद्दू दिए। भगवान राम ने इस वनस्पति कद्दू को शिवलिंग के प्रतिकृति के रूप में स्थापित किया और देवी सीता को बचाने की उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। तब से शिवलिंग को लोकनाथ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि गर्भगृह में एक शिवलिंग है जो साल में केवल एक बार ही दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि प्राकृतिक फुहारे से शिवलिंग सहित पूरा गर्भगृह साल भर पानी से भरा रहता है। शिवरात्रि से 3 दिन पहले पंकोद्वार एकादशी के रात को ही गर्भगृह से सारा पानी बाहर निकाला जाता है और शिवलिंग दिखाई देते हैं। दोस्तों ये है अद्वैत ब्रह्मा आश्रम पुरी के, लोग अभी आपके पहुँचे हैं अद्वैत ब्रह्मा आश्रम में। इसका देखिए नेचुरल ब्यूटी देखिए, ये आश्रम का है, एक आश्रम जैसे कि होना चाहिए वैसा ही है ये आश्रम। देखिए ये है अद्वैत ब्रह्मा आश्रम और ये जो सीढ़ी देख रहे हैं इसी सीढ़ी से हमें चढ़कर जाना है आश्रम में। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, आश्रम के भीतर तक चलते हैं। अद्वैत ब्रह्मा आश्रम तोतापुरी बाबा का आश्रम है और तोतापुरी बाबा को नंगा बाबा, नंगथा बाबा, लंगुली बाबा, दिगंबर बाबा, काकाड़िया बाबा आदि नामों से जाना जाता है। तोतापुरी का जन्म हिंगलाज जो कि अभी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है वहाँ पे हुआ था। तोतापुरी एक परिव्राजक थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत मार्ग के अनुसरण किया था। माँ काली के निर्देश से रामकृष्ण परमहंस देव ने तोतापुरी को अपना गुरु माना था और उनको दीक्षा भी दिए थे। ऐसी जैसा लग रहा है थोड़ा रेस्ट करने के लिए जगह भी दिया हुआ है। गिरनाड़ी बांट वो स्थान है जहाँ
पूज्य संत तोतापुरी ने अपने जीवन के अंतिम 40 वर्ष बिताए थे। उन्होंने 1961 के अगस्त महीना में महासमाधि प्राप्त की थी। वो सर्वोच्च कोटि के संत थे और उन्हें सभी प्रकार की साधना का महारत हासिल थी। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को निर्विकल्प समाधि की उच्च तकनीक की दीक्षा दी थी। आश्रम के अंदर एक बरगर का पेड़ है जहां वो ध्यान में लीन होकर काफ़ी समय बिताते थे। गिरनाड़ी मठ आध्यात्मिक साधकों के लिए ध्यान और चिंतन का संलग्न होने का आदर्श स्थान है। ये हम लोग आप पहुँचे हैं अद्वैति ब्रह्माश्रम। तो दोस्तों, आश्रम से अंदर आश्रम के अंदर जाने से पहले यहाँ पे इस तरह से हाथ मुँह धो लीजिए और आप अपना पांव भी धो लीजिए और उसके बाद आप मंदिर के अंदर प्रवेश कीजिए। अभी हम लोग हैं गुप्त वृंदावन में और ये जो है ये श्री बोध विहार आश्रम है पूरी का गुप्त वृंदावन। तो चलिए गुप्त वृंदावन के अंदर चलते हैं और इसको दर्शन करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, निमाई और निताई एक साथ, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु एक साथ। गुप्त वृंदावन के ऊपर एक कंप्लीट व्लॉग आ रहा है अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।